आप लोगों को एग्जाम का मेजर टेस्ट का नहीं मिला है? देखिए, जो आपका एग्जाम 10 अप्रैल को होना था ना, ठीक है, वो 12 को हो जाएगा। जो 17 को होना था वो तीनों एग्जाम मंडे को होंगे, और जो 24 को होना था वो 26 को जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम अब मंडे को होंगे, क्लियर? पहली बात तो ये समझ गए ना, ये डेट आगे पीछे का मतलब, अगर 19 को संडे है तो 20 को, लेकिन मंडे है तीनों, ठीक ना? तो एक तो ये बात, एक मिनट कन्फर्म कर देता हूँ। कैलेंडर देखा तो कैलेंडर देख लिया कि मंडे ये तीनों आते हैं, मंडे को, ये भी मंडे को और ये भी मंडे को, 12 को, 19 को और 26 को। दोनों तरफ से एग्जाम होंगे, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। बट ठीक है, वो अब आपके ऊपर है। काफ़ी समझदार है, समझ गए होंगे मेरे पट का मतलब, समझ गया, ठीक है? तो जिसको कंफर्टेबली आने का है वो आके यहाँ देंगे तो इट विल बी बेटर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट आई कांट फोर्सफुली या कंपलसरी, नॉट ए कंपलसरी ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है? तो बाकी जिसको अगर कंफर्टेबली आके पेपर दे सकते हैं तो वो पेपर ऑफलाइन दे के आके दीजिए। एग्ज़ाम के डेट जो 10 को होना था वो 12 को होगा, जो 17 जो कब होने थे, 17 को होने थे वो 19 को, जो 24 का था वो 26 को। तीनों एग्ज़ाम मंडे को होंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे अब हमारा ये महाराष्ट्र में ये है ना, कई अभी तो वो लॉकडाउन है कम्प्लीटली, इसलिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो इशू होंगे, इसलिए वो डेट चेंज हुआ। और पहले आपका 26 से क्लास 12 से स्टार्ट होना था, अब 27 से क्लास 12 से स्टार्ट होगा, ओके? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कल से कोशिश कीजिए आप लोग सिविल ड्रेस में आने का, ठीक है? क्या हाँ, आइए सिविल ड्रेस में ही आइए, ठीक है? ओ, जरूरत नहीं है। और कुछ बुक्स वगैरह अगर आपको लगता है तो आप कंफर्टेबली यहाँ छोड़ के जाइए लॉकर में, ठीक है? और अब आपका 11th कंप्लीट है, तो नाउ यू आर द 12th स्टूडेंट, यू आर नॉट द 11th स्टूडेंट। आप किसके स्टूडेंट हैं? 12th के स्टूडेंट। हाँ, तो इसीलिए हम लोग आपका चालू रख रहे हैं ना, क्योंकि आप तो क्या है, अब 12th है। यस, आपका स्टैंडर्ड कौन सा है? 12th। वो तो आज चाहूँ तो आज कंप्लीट करा दूँ। वो पेपर मिल जाएगा, घर से लाके सबमिट कर। रिकॉर्ड हो जाती है।
जब पीटीएच का पारा थायरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बोन से कैल्शियम ज़्यादा आ जाएंगे किसमें, ब्लड में। तो जब बोन से कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा तो बोन क्या होगा, वीक यानी पोर होते हैं, तो एक टर्म होता है उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्या कॉज करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और जब हाइपो सेक्रेशन अगर होता है, हाइपो सेक्रेशन ऑफ पीटीएच, तो यहाँ पर आता है हाइपोकैल्साइमिक टेटैनिक, क्योंकि जब पीटीएच कम होगा तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसमें, ब्लड में। तो कैल्शियम का लेवल कम होना दैट मीन्स ये सब आप लोग मसल से भी पढ़ चुके होंगे, तो हाइपोकैल्साइमिक टेटैनिक क्या हो जाएंगे, हाइपोकैल्साइमिक टेटैनिक यानी मोर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल से। ये हो गया मोर एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल से। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, मैच्योर होता है बोन मैरो, बी फॉर बोन मैरो, इसलिए बी फॉर
बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर होता है थाइमस में। टी फॉर टी लिम्फोसाइट है, इसलिए टी फॉर थाइमस। इसका नाम टी लिम्फोसाइट इसलिए क्योंकि यह थाइमस में मैच्योर होता है। तो वही थाइमस की यहाँ पर बात हो रही है। तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन के प्रेजेंस में यह मैच्योर होता है टी लिम्फोसाइट? थाइमोसिन। तो यानी थाइमोसिन का सेग्रेशन करता है थाइमस, जो हेल्पफुल होता है टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। अब मैच्योरेशन तो समझ गए, तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है? तो आप जानते हो कि टी लिम्फोसाइट भी अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट होता है। टी साइटोटॉक्सिक सेल होता है, टी हेल्पर सेल होता है, ठीक है, और टी मेमोरी सेल होता है। तीन तरह के टी सेल भी होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक, टी मेमोरी और टी हेल्पर सेल। तो वो अलग अलग, यानी टी सेल भी अलग अलग टाइप में डिवाइड हुआ, यानी बटा है, डिफरेंशिएट हुआ है। तो वो भी किसकी मदद से? थाइमोसिन की मदद से। समझ गए बात को? तो चले यहाँ पर लिखेंगे, इट सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन विच हेल्प इन मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। किसके लिए? तो टी लिम्फोसाइट के लिए। हो गया ये? चलिए थाइमस का पूरा, थाइमस के बाद में आइए पैनक्रिया। हो गया यहाँ, यहाँ से अब यहाँ आ जाएंगे पैनक्रिया। इसका नहीं, इसका कोई डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या है? टी लिम्फोसाइट। अगर ज्यादा भी हुआ तो किसी दूसरे ऑर्गन पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका कोई फिजियोलॉजिकल, चाहे कोई दूसरा बड़े मेजर फिजियोलॉजिकल एक्शन में रोल नहीं है, इसीलिए इसका डिसऑर्डर नहीं देख रहे हैं। अब आइए पैनक्रिया। पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या है बेटा? पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और लोकेटेड कहाँ है? ये तो सेंसिटाइजेशन अभी देख चुके थे हम लोग। तो लोकेटेड कहाँ है ये? स्टमक के पास में, बिलो द स्टमक। एक लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर है जो डियोडेनम के पास में क्या होता है, अटैच है। इट इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर बिलो द स्टमक एंड लोकेटेड बिलो द स्टमक टू नियर द डियोडेनम, डियोडेनम के पास में है। अब चूंकि ये एक मिक्स ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज में क्या होंगे? पेनक्रियाज के दो पार्ट होंगे, एंडोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन, दोनों पार्ट होंगे। अब एंडोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट अगर दोनों को देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एंडोक्राइन पार्ट आप लोग देख चुके हैं किसमें? डाइजेशन में, है ना। तो आइए यहाँ पर ये ले लिया हमने पैनक्रियाज, और आप जानते हो पैनक्रियाज के दो पार्ट हैं, कौन कौन? एंडोक्राइन पार्ट, और दूसरा कौन सा है? एक्सोक्राइन पार्ट, है ना, एंडोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट का
अपना इंडो क्राइन पार्ट कितना परसेंट है, एक जो क्राइन ज़्यादा होगा इंडो क्राइन शायद 10-12% होना चाहिए। चलिए इंडो क्राइन पार्ट को हम लोग बोलते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस। क्या नाम है इसका दूसरा? इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस और इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस, समझे? अब आइए इंडोक्राइन पार्ट से क्या सीक्रेट होता है। सीक्रेट डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस, और इंडोक्राइन पार्ट का नाम है इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस। और इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो होते हैं वह चार तरह के सेल से बने हुए हैं। कितने तरह के सेल्स से? हैं चार तरह के सेल्स से। हैं परसेंटेज मिला इसका? नहीं दिया है, होना चाहिए। अच्छा देख लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कल देख के बता दूंगा, ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए। आइए इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस। अब इसमें इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है वह मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल। वो चार तरह के सेल कौन कौन हैं? एक होगा अल्फा सेल, दूसरा होगा बीटा सेल, तीसरा होगा डेल्टा सेल और चौथा होगा पीपी सेल। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल बोलते हैं, पूरा नाम लिख देता हूँ, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, इसी को बोलते हैं पीपी सेल, है ना बेटा? अल्फा सेल 15% होता है, बीटा सेल 65% होता है, डेल्टा सेल 5% होता है और पीपी सेल 15% होता है। ठीक है, हो गया ना 100%? हो गया। अल्फा सेल से सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन। कौन? ग्लूकागॉन। बीटा सेल से सिक्रीट होता है कौन? इंसुलिन। और डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है टोमेटो स्टैटिन। और पीपी सेल से सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या सिक्रीट होगा? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये तीन चीज सीक्रेट होते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। और ये हुआ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड मतलब एक तरह का छोटा प्रोटीन। अब इन्हीं हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन हमें जानना है कि ये हार्मोन का कौन से हार्मोन का क्या काम है। अगर ग्लूकागॉन है तो ग्लूकागॉन का क्या काम है, उसके बाद इंसुलिन है तो इंसुलिन का क्या काम है, ये हमें जानना है। कुछ बच्चे उधर भी हैं क्या?
है वह ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। यानी अब ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ है, तो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। तो ग्लूकागॉन आएगा और जा करके लीवर और एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करेगा, जहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर है। ग्लाइकोजन को तोड़ेगा किस में, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में तोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। लिखेंगे ग्लूकागॉन में कब आपके लाइफ में प्रॉफिट होना है, कब आपके लाइफ में लॉस होना है, ठीक है।
कब आपको आपका नाम बड़ा होगा उसको जस बोलते हैं, और कब आपके ऊपर बदनामी लग जाए किसी चीज की, कोई चीज की चोरी आपने की नहीं है और दूसरे को शक हो गया कि इसी ने चुराया है, वो क्या हुआ आपका बदनामी हुआ। तो जस अपजस, हान लाभ और जन्म मृत्यु, लाख डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके ये करके बोल दे कि इस डेट को बच्चा होने वाला है, लेकिन होता है क्या, वो भी प्लस माइनस 15 डेज देता है, तो वो भी उसके हाथ में नहीं है। तो जन्म और मृत्यु तो एकदम पूरा बोला टाइम चीज है, तो कब किसको जाना पड़ जाए किसी को पता नहीं। आई ग्लूकागॉन का कुछ और फंक्शन देख लेने लीजिए, लिखेंगे ये तो मेन फंक्शन हो गया ग्लूकागॉन का। कितने लोग हो? हो जाएंगे, आ जाओ, चलो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बीच में का गैप करके एक सबसे उधर के लास्ट में चले जाओ, एक इस सेकंड वाले के लास्ट में चले जाओ, एक दो इधर थर्ड वाले में बैठ जाओ, कोई नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता है, अब होना रहेगा तो कोई नहीं रोकेगा। चलिए ये लिख लो, छुटा है नहीं ना, तो ये ग्लूकोज को जैसे ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, कहां तो लीवर में और मसल सेल्स में, तो ये भी ग्लूकोज को स्टोर करवाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कहां इसमें भी कर दीजिए लीवर और मसल्स में। अब इसे कुछ एडिशनल फंक्शन को लिखेंगे फटाफट, लिखेंगे इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन टिश्यू, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन टिश्यू फ्रॉम अमीनो एसिड, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन टिश्यू फ्रॉम अमीनो एसिड,
It increases synthesis of fat in adipose tissue, from fatty acid. It increases synthesis of fat in adipose tissue from fatty acid. Next thing, insulin reduces the breakdown and oxidation of fat. चलिए अब नेक्स्ट थर्ड में कौन सा हार्मोन है? तो थर्ड में डेल्टा सेल से कौन आ रहा है? सोमैटोस्टेटिन। अब आइए, सोमैटोस्टेटिन तो बहुत ही प्यारा चीज है। क्यों? सोमैटोस्टेटिन तीन जगह से आता है। कहां कहां पड़े थे? स्टमक याद है? एक वहां से आया, अभी हाइपोथैलेमस चला, हाइपोथैलेमस में आया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इट इज द सोमैटोस्टेटिन। वो क्या है? सोमैटोस्टेटिन। और तीसरा कहां से? तो डेल्टा सेल से, पैनक्रियाज के। सोमैटोस्टेटिन कहीं पर भी आएगा, वो किसी ना किसी सेक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा। क्या करेगा? किसी सेक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा। जैसे आप देखो कि अर्जेंटाफिन सेल ऑफ स्टमक से आ रहा था, तो वो इनहिबिट कर रहा था, इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूस या गैस्ट्रिक जूस। क्या करता है वो? गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को रोकने का काम करता है। उसी तरह हाइपोथैलेमस से आने वाला GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वो भी देखिए रोकने का काम किया। और तीसरा पैनक्रियाज से आने वाला सोमैटोस्टेटिन जो है वो रोकता है सेक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन फ्रॉम द पैनक्रियाज। तो तीनों जगह ये हाइपोथैलेमस से, पैनक्रियाज से और अर्जेंटाफिन ऑफ स्टमक से आएगा, और तीनों जगह सोमैटोस्टेटिन किसी ना किसी चीज को सप्रेस करने का यानी रोकने का या इनहिबिट करने का काम करेगा। समझ में आ गई बात? तो हर जगह अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन सबका एक्शन एक ही है, क्योंकि हार्मोन का नेचर एक ही है, हार्मोन का केमिकल नेचर एक ही है, इसलिए उसका काम भी कैसा होगा? एक ही रहेगा, बस अलग अलग रीजन से वो आ रहा है। समझ गए? आप पर्सन तो एक ही हो ना भाई, आदमी तो वही हो ना। अब कभी आप स्कूल ड्रेस पहन के आ रहे हो, कभी घर पे आप अपना फैंसी ड्रेस पहन के किसी फंक्शन में जा रहे हो, पर्सन तो वही हो ना। बस क्या है, थोड़े मोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब हम कितना भी सूट पहन लें ये तो खाली ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना। तो आदमी तो वही रहूंगा ना मैं। तो वही चीज है कि ये सोमैटोस्टेटिन कहीं से भी आए काम तो वही करेगा, क्योंकि इसका केमिकल नेचर एक ही जैसा है। तो लिखेंगे सोमैटोस्टेटिन का लिखेंगे सप्रेस द सेक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन फ्रॉम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाले अदर हार्मोन को क्या करता है? यह रोक देता है, इनहिबिट और सप्रेस द सेक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन फ्रॉम पैनक्रियाज। सोमैटोस्टेटिन सिक्रेट फ्रॉम
दिखा देता हूँ, अर्जेंटा फिन सेल स्टमक में क्या निकलता है, टोमेटो स्टेटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को। उसी तरह हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है कौन, तो हाइपोथैलेमस से किस फॉर्म में, GHIH या फिर सोमैटोस्टैटिन। इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ GH। अब बाकी आपको पैनक्रियाज का तो पता ही है, पैनक्रियाज से भी आता है। इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन, ये हो गया पैनक्रियाज से। ठीक, अब आइए नेक्स्ट हेडिंग देंगे, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। कौन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के बारे में। तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, यानी जो एक्सोक्राइन पार्ट से जो सेक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का, जो डाइजेशन में जाके हेल्प करता है, तो उसके सेक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए या उसके सेक्रेशन को कम करने के लिए ये आता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और हार्मोन के सेक्रेशन को कम करने के लिए आता है सोमैटोस्टैटिन। ये दोनों का दो अलग अलग रोल है, दोनों इनहिबिट का काम करता है, क्योंकि पैनक्रियाज के दो पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। अब समझ गए, अब आइए डिसऑर्डर, पैनक्रियाज के डिसऑर्डर की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर जो है वो इंसुलिन से रिलेटेड देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज, है ना। तो अगर इंसुलिन का हाइपर सेक्रेशन हो गया, ठीक, तो हाइपर सेक्रेशन से हमें क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो हाइपर सेक्रेशन की वजह से इंसुलिन अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपोकैल्सेमिक लेवल हो जाता है, तो उसको कहते हैं हाइपोकैल्सेमिया, ठीक। लेकिन जब हाइपो अगर सेक्रेशन होगा, इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा तो ग्लूकोज का लेवल कम, और अगर इंसुलिन का लेवल कम तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है, देखो एक्शन क्या होती है, ये सब थोड़ा सा देख लीजिए, यह सेल है हमारा, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं ग्लूट चैनल, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो 1, 2, 3, 4 के नाम से होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्लूट 4। अब होता क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज इंतज़ार कर रहा है अंदर जाने के लिए, ये ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो रही है सेल के अंदर जाने के लिए। अब क्या होता है, यहाँ से समझ लो कि ये इंसुलिन आया, इंसुलिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ग्लूट 4 को एक्टिवेट करता है, ग्लूट 4 अपने आप उसको नहीं लेगा अपने अंदर। और चूंकि ग्लूकोज क्या होता है, वाटर सोल्युबल कंपोनेंट है, तो लिपिड बाई लेयर को क्रॉस
नहीं करेगा, किसको नहीं क्रॉस करेगा, लिपिड बाइलेयर लेयर स्ट्रक्चर को क्रॉस नहीं करेगा, तो जब भी जाएगा तो प्रोटीन चैनल से जाएगा, और प्रोटीन चैनल, अब चूंकि ग्लूकोज थोड़ा एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो वो आसानी से ग्लूकोज के अंदर ये सॉरी प्रोटीन के अंदर नहीं आएगा, तो प्रोटीन को अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा, प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, अपना शटल जो है वो ओपन करना पड़ेगा, उसको बायोलॉजी में कहते हैं इनफ्लक्स और एफ्लक्स। तो इनफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज इज डिपेंड ऑन द ओपनिंग शटल ऑफ द ग्लूकोज चैनल। क्या बोला मैंने उसको एकदम सिंपल है, मैं वही समझा रहा हूँ मैं कि ग्लूकोज सेल के अंदर तभी जाएगा जब प्रोटीन के ग्रुप फोर चैनल का दरवाजा ओपन होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको मैंने बोला कि इनफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज इज डिपेंड ऑन द ओपनिंग शटल ऑफ द ग्रुप फोर चैनल, समझ गए। इंसुलिन आता है और यहाँ पर समझो कि यह एक तरह का दरवाजा है, अब इंसुलिन आएगा इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर देगा, तो जब एक्टिवेट करेगा तो ऐसे भी ये डायरेक्ट नहीं आता है, ऐसे होगा, समझो कि यहां पर ग्लूकोज लगा हुआ है, समझे। तो जब आएगा इंसुलिन इसको ओपन करेगा पहले ऊपर का दरवाजा, तो ये अंदर आ गया, ठीक। जब अंदर आएगा तो पहले ऊपर से बंद होगा, अब क्या होगा नीचे से खुलेगा, तो ये कहां चला गया, सेल के अंदर, ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया, इसी चैनल की वजह से काम करता है। अगर ये इंसुलिन नहीं हो या इंसुलिन कम हो जाए तो ये जो चैनल है वो क्या होगा, नहीं खुलेगा, या इंसुलिन के मॉलिक्यूल कम हो गया तो ग्लूट फोर के चैनल कम खुलेंगे, तो कम खुलेगा तो ग्लूकोज क्या होगा, कम अंदर जाएगा, और ग्लूकोज अगर अंदर कम गया तो यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का क्या होगा, कम होगा, तो खर्च कम हो गया तो बचत क्या होगी, ज्यादा, तो बचत ज्यादा का मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, अब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसी को क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलिटस, क्या कहेंगे, वो हायर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। नॉर्मली खाली पेट जब हम खाना नहीं खाए, रात को खाना खा के सुबह तक कोई खाना नहीं खाए हैं, ठीक है ना, तो खाली पेट यानी उसको कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग, ये नॉर्मल रेट कितना होता है, 100, क्या है ये लेवल फास्टिंग में अगर हम है सुबह सुबह तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीग्राम होना चाहिए पर डीएल, 100 मिलीग्राम पर डीएल डेसीलीटर। लेकिन जब हम खाना खा लिए यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद उसको बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल, क्या बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल, तो ये हो जाता है 120 से 125 एमजी पर डी, समझे। तो ये लेवल जो है वह नॉर्मल लेवल है, अब अगर हमारा इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ये दोनों लेवल जो है बढ़ा हुआ रहेगा, इसीलिए डायबिटीज वाले को डॉक्टर हमेशा दोनों चीज करा के देखता है, फास्टिंग और पीपी, उसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं ब्लड शुगर इन फास्टिंग एंड ब्लड शुगर इन पीपी, का मतलब आफ्टर टेकिंग टेकिंग मील आफ्टर 2 आवर्स, खाना खाने के 2 घंटे बाद का, तो डॉक्टर दोनों का एनालिसिस करता है, तब वो फाइंड आउट करता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ब्लड ग्लूकोज लेवल कहाँ तक है, तो उसके हिसाब से आपको, तो जब ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब अगर किसी को हो गया है कितना, तो ये लेवल बढ़ करके हो गया है मान लो 320 के से बढ़ के कितना हो गया है 300, तब उसको इंसुलिन देना पड़ेगा, और अगर 140-180 तक है तो ड्रग से काम करता है यानी कि टैबलेट देता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, वो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। आगे बात तो पहले लिखेंगे हाइपर इंसुलिन लेवल क्या काउंट करेगा, लो ब्लड ग्लूकोज
लेबर, लेकिन जब हाइपोसेक्रेशन होगा तो ये क्या काउज करेगा? हाई ब्लड ग्लूकोज, और इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब ये समझ गए बात को। अब डायबिटीज मेलिटस दो तरह से होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होता है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। ये हुआ
is inactive generally occurs after 40 years or due to obesity. यानी यार ज़्यादा मोटापा वगैरह हो गया है तो उस वजह से भी होगा, या 40 साल से ऊपर हो गए हैं और सही से फिजिकल एक्टिविटी बॉडी का नहीं है तो उसके वजह से ये IIDM होता है, सॉरी IIDM. और इसका इंसुलिन जो होगा वो इनएक्टिव रहेगा. हो गया ये. देखो एडिनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के जस्ट ऊपर में. किडनी के जस्ट ऊपर में एक लेयर कैपिलेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग एडिनल ग्लैंड बोलते हैं. एडिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला. आउटर जो पार्ट होता है एडिनल ग्लैंड का, कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो होता है वो मेडुला होता है. फिर जब हम लोग कॉर्टेक्स में चलेंगे तो कॉर्टेक्स जो है वो तीन लेयर में बटा हुआ है. एक आउटर लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को बोलते हैं हम लोग जोना फैसिकुलाटा, नाम बहुत प्यारा प्यारा, और तीसरा लास्ट लेयर जो होता है वो जोना रेटिकुलरिस, ठीक है ना. तो वो तीनों चीज देखेंगे हम लोग. अब आइए तो एड्रिनल ग्लैंड कितने नंबर में होगा? कितने एड्रिनल ग्लैंड? दो में. तो इट इज टू इन नंबर, वन ऑन ईच
किडनी, इट इज डूइंग नंबर वन ऑन एज किडनी, दो नंबर में होते हैं टोटल, और कैसे भाई, तो एक किडनी के ऊपर एक, इसलिए हमारे पास कितने किडनी है, दो किडनी है, तो टोटल कितने, दो एड्रेनल ग्लैंड होंगे। एड्रेनल ग्लैंड के ओरिजिन को अगर देखेंगे तो एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है वो कॉर्टेक्स रीजन, और न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है वो मेडुला। समझ गया ये बात, तो इसको हम लोग दो रीजन में ऐसे काटते हैं, ठीक है, या मेजोडर्मल अगर बीच का बात कर लेंगे तो मेजोडर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ये एक मिनट, तो लोकेशन तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लोकेशन में डायरेक्ट क्या दिखा दिया, कितनी बीच का हुआ ना, तो यानी कि डायरेक्ट मेजो, ऐसे होता क्या है कि कॉर्टेक्स जो होता है वो इंडो और मेडुला होता है वो न्यूरो एक्टोडर्मल, उसको एक्चुअल बोलते हैं। न्यूरो एक्टोडर्मल शायद आपको पढ़े हैं, नहीं तीन ही लेयर पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, कौन कौन सा लेयर पढ़े हैं, मेजोडर्मल ओरिजिन, जो डर्मल भी बोले थे। चलिए आगे लिखेंगे, अब एक डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, एनसीईआरटी देना, चलिए डायग्राम बनाइए पहले,
कोरोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो 50%, मिडिल लेयर जो है वो 65% और इनर लेयर जो है इसका वो 7%, और बाकी जो बचा हुआ होता है वो क्या है, मेडुला। तो 15 और 65 जोड़ेंगे कितना हो गया, कितना परसेंट हो गया, 80, और ये 87 रिमेनिंग कितना बचा, अबाउट 30% जो होता है वो मेडुला रिमेनिंग होता है। ग्लोमेरुलोसा जो है वो रिलीज करता है हार्मोन कौन सा, मिनरल कॉर्टिकोइड, यानी मिनरल का एब्जॉर्प्शन या मिनरल का मेटाबॉलिज्म करने वाला, जिसका एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, जो कहाँ आया था, किडनी में। क्या एब्जॉर्प्शन कर रहा था, वाटर, और एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन। तो सोडियम क्या है, मिनरल है, तो मिनरल के मेटाबॉलिज्म के लिए यानी मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल मतलब मिनरल के लिए। तो ये जीनो जो है वो कॉर्टिकॉइड हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, जो तीन तरह के कॉर्टिकॉइड हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड। मिनरल कॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कौन, तो मिनरल कॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है डीसीपी से और कलेक्टिंग तक, किससे, डीसीपी और कलेक्टिंग तक। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन तीन तरह के होते हैं, एक कॉर्टिसोल, कॉर्टिएस्टेरोन एंड कॉर्टिसेरोन, तीन अलग अलग। इनका काम क्या है भाई, इनका काम है ग्लूकोवर्ट लगा यानी ग्लूकोज से रिलेशन होगा, तो ये ग्लूकोज का सिंथेसिस करवाते हैं एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल से, किससे, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल से, कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल है कॉर्टिसोल, कॉर्टिएस्टेरोन, ये दो कॉमन है। समझ में आई बात, जैसे मिनरल कॉर्टिकॉइड का एग्जांपल कौन, एल्डोस्टेरोन, और तीसरा है गोनाडो कॉर्टिकॉइड, गोनाडो कॉर्टिकॉइड यानी जो हार्मोन गोनाड से आएंगे। समझ में आई बात, तो वो जाकर के गोनाड पे एक्शन के लिए होते हैं, तो उसको गोनाडो कॉर्टिकॉइड कहते हैं। क्लियर, चलेंगे लिखेंगे अब यहाँ से, तो लिखेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा, पहले लिखेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा
होनी हो जाए। सेकेंड लिखेंगे जोना, दूसरा क्या है फैसिकुला का नाम, जोना फैसिकुलाटा। देखिए कहीं कहीं पर ये 50% भी हो सकता है, दिया हुआ है ऐसे होता है, ये 65% सबसे ज़्यादा यही होता है, तो 50 से इसको 65% कर लीजिए, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। वहाँ 65 क्यों, तो काटने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए जोना फैसिकुलाटा की जब अगर बात करते हैं, जोना फैसिकुलाटा सीक्रेट ग्लूको फॉर्टिफाइड कौन सा हार्मोन, ग्लूको फॉर्टिफाइड हार्मोन का सीक्रेशन करता है, सीक्रेट ग्लूको फॉर्टिफाइड हार्मोन, सीक्रेट ग्लूको फॉर्टिफाइड हार्मोन एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कैसा है मेल हार्मोन है, एंडोजेनिक मेल हार्मोन। जो रिस्पॉन्सिबल होता है यानी कि सेकेंडरी सेक्सोसाइकिल को इंक्रीज करता है मेल, हो गया। अब आइए डिसऑर्डर में, एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रेशन से होने वाले हार्मोन के डिसऑर्डर, तब देखेंगे मेडुला में इसके डिसऑर्डर बहुत सारे हैं। डिसऑर्डर बोलता हूँ फटाफट लिख लीजिए आप, नोट डाउन कीजिए डिसऑर्डर को। Addition DG, A double D I H.
O N addition digit. A double D I S O N addition digit. First में लिख लीजिए. Due to deficiency of mineral corticoid. ये हाँ